5G सपोर्टेड है इसमें, और इसमें तीन बिल्टन सब मीटर लगे हुए हैं जो कि आपको यूनिट बताते हैं कि दिन में कितनी पर कितनी यूनिट से सोलर से जनरेट हुए हैं। तो ये सोलर के यूनिट दिखा रहा है, इसको टच करने से आपकी बैटरी कितने यूनिट से चार्ज हुई है और अभी कितने यूनिट से या कितने वाट से डिस्चार्ज हो रही है, ये आपके सामने लिखा हुआ रहा है 751-52-53 वाट से डिस्चार्ज हो रही है बैटरी। और इसी तरह एम्पेयर में चले जाएंगे तो 22 एम्पेयर से, और जबकि इसमें एक एक टन का एसी चल रहा है, चार सेवर चार पंखे चल रहे हैं और एक टन का एसी चल रहा है विद डिवाइस पे। और ये आपका आज का अभी टोटल लोड है, आज इसने 21 यूनिट जो है ना जनरेट किए हैं और टोटल 46 यूनिट तक ये जनरेट कर चुका है जब से लगा है 2 दिन के अंदर। और यहाँ से इसने वापडा से सिर्फ 1.82 मतलब 2 यूनिट वापडा से लिए, इससे ज़्यादा मतलब वापडा यूज़ ही नहीं हुई है। और इसके अंदर बैटरी सेंसर लगा हुआ है, ये बैटरी सेंसर की वायर है और ये इसका वाईफाई कनेक्शन है, वाईफाई की डिवाइस लगी हुई है, ये बैटरी सेंसर की वायर लगी हुई है, ये इसका चेंज ओवर प्लेटों से पीवी का डीसी चेंज ओवर कहलाता है या डीसी ब्रेकर आप कह लो, डीसी ब्रेकर है इसका ये। और ये इसकी ग्रेट है, ये इसका लोड है और ये इसका स्मार्ट लोड है। और ये इसको पैरेलल करने के लिए आप इसको 10 किलोवाट इन 3 यूनिट पैरेलल कर सकते हैं, आप इसको 15 किलोवाट तक बना सकते हैं आप। ये इसकी बैटरियां लगी हुई हैं, यहाँ पर इसके सेफ्टी ब्रेकर लगे हुए हैं, ये इसका वापडा का ब्रेकर है, ये इसका सोलर आउटपुट ब्रेकर है, ये इसका एसी ब्रेकर है स्मार्ट लोड का, और इसका डीसी ब्रेकर इसमें बिल्टन आता है। ये चेंज ओवर लगा हुआ है घर के लोड के लिए, एक अलग से चेंज ओवर लगा हुआ है एसी के लिए, ये एसी के लोड का चेंज ओवर लगा हुआ है। और इसकी एक और खूबी है कि ये शावर प्रूफ है, माना बारिश वगैरह में आप इसको लगा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके ऊपर, अगर बारिश का पानी गिरे तो कोई मसला नहीं होता, शावर प्रूफ कहलाता है ये, शावर प्रूफ है और हीट प्रूफ भी है, और बहुत ज़बरदस्त इसका रिजल्ट है, मेरा फेवरेट है नाइक्रोक्स। इंशाल्लाह अगले प्रोजेक्ट में मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।